हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी। दोस्तों, क्या आपको भी सफ़र में चलते समय उल्टी, जी मतलाना, घबराना, सिर में दर्द होना और चक्कर आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो आज हम आपके लिए ऐसे घरेलू उपाय आपको बताएंगे जो सफ़र में चलते समय बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं और इससे आपके सर का दर्द हो, चाहे आपको जी मतलाता हो या फिर आपको बहुत तेज़ उल्टी लगती हो, इन सब समस्याओं से आप बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम आपको बताएंगे वो तरीके जिन्हें फॉलो करने से आप सफर में उल्टी आना, जी मतलाना, सर में दर्द होना, घबराहट होना, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये सब आपके साथ क्यों होता है। कई बार जिस गाड़ी में हम सफ़र कर रहे होते हैं, उसमें ऑक्सीजन हमें पूरा नहीं मिल पाता और इसी वजह से हमारे पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमें होने लगती हैं, जी मतलाने लगता है और उल्टी होना शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है गर्दन की नस दबना। दोस्तों, जब हम लंबे सफ़र में होते हैं तो हमें सही तरह से आराम नहीं मिल पाता और हमारी गर्दन बिल्कुल सही तरह से आराम में नहीं रह पाती। और गर्दन की नस का सीधा संबंध मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से हमारा मस्तिष्क असहज हो जाता है और उल्टी लगने की समस्या आपको होने लगती है। और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन ना पहुँचने के कारण भी आपको उल्टी होती है, सिर दर्द होता है और आपके को शरीर में बेचैनी, घबराहट, ये सभी समस्याएं होती हैं। तो हम आपको बहुत आसान तरीके बताएंगे जो कि सफ़र में बड़ी आसानी के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कहीं लंबे सफ़र पर जाते हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। आप जब सफ़र में जाएं तो ज़्यादा तले भुने मसालों का सेवन ना करें। आपको हेल्दी खाना चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपका खाना पच जाए आसानी से, आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की समस्या ना हो, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको सफ़र में उल्टी हो सकती है। अब आपको बताते हैं वो उपाय जो बड़े आसान हैं। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले अब जब भी सफ़र में जाते हैं, अपने पर्स में एक अदरक का टुकड़ा रख लें। अदरक के टुकड़े को बीच से काट कर छोटा छोटा और उस पर काला नमक छिड़क कर सफ़र में चलते समय आप इसे चाट लें। अदरक का टुकड़ा चाटने से आपको जी मतलाने की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी और उल्टी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। दूसरा तरीका है, जब भी आप सफ़र में जाएं तो अपने पर्स में एक या दो नींबू ज़रूर रखें और सफ़र में चलने से पहले एक बार नींबू के टुकड़े को चाट लें। नींबू में जिसमें सिट्रिक एसिड है और साथ ही आपके पेट संबंधित आपकी गैस, कब्ज़, एसिडिटी, इन सभी समस्याओं का एकमात्र बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो आधे नींबू को काट कर इसके ऊपर भी हल्का सा काला नमक ऐड करके आप इसे सफ़र में चलते समय कुछ टाइम पर इसे चाटते रहें। और यदि आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, बहुत ज़्यादा आपका जी मतलाता है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, एक ग्लास मौसमी के जूस में आधा नींबू का रस निचोड़ दें और आधा चम्मच इसमें सेंधा नमक या काला नमक मिलाकर इसे पिएं। और आप देखेंगे, जो जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके जी मतलाने की समस्या, सिर दर्द होने की समस्या, उल्टी आने की समस्या, ये बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और आप आसानी से पूरी तरह से अपने सफ़र को इंजॉय कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।